ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य। नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं। ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवती भगवती उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अब नया अध्याय है तो 5-6 श्लोक और। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। जन्मादियस्य यतो वन्वयात् जन्मादियस्य यतो जन्मादियस्य अन्वयात्। पितरस्तस्य इतरस्तस्य अर्थेष्वभिज्ञास्वरात् आदिकवये तेने तेने ब्रह्महृदाय ब्रह्मया आदिकवये। यदि मोहन्ति यत् सूर्यः नूयन्ति यत् सूरयः। सूर्यः तेजो वारिमृतां यतो विनिमय। एक मिनट माता जी, प्रभु जी हरे से कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। बताना पड़ेगा ना प्रभु जी को, शायद नेटवर्क खराब है। नेटवर्क शायद। हे कृष्णा प्रभु जी। पहला अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। जन्मादियस्य यतो वन्वयात् जन्मादियस्य जन्मादियस्य यतो वन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञा स्वरात् इतरस्तस्य तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये आदिकवये। मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो वारिमृदं यत्र सर्गो अमृषा यथा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परमधीमहि। दूसरा श्लोक। धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र धर्म धर्मः प्रोजित प्रोचित कैतवो कैतवो परमो निर्मत्सराणां सतां यत्र परमो वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु निर्मत्सराणां शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् सतताम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते श्रीमद्भगवते किं वा परेरीश्वरः सद्यो महामुनिः हृदि अवरुध्यते अत्र चुते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तक्षणात्। तक्षणात् तीसरा निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् सुख निगम मुखाद अमृत दव संयुक्तम् कल्पतरितं भागवतम् रसमालयम् फलम्। मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका तथा एते चांस कला पुंसः एते चांस कला कृतिभिः पुंसः
कृष्णः तु भगवान् स्वयं कृष्णः तु भगवान् भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रियाणि व्याकुलं मृडयन्ति लोकम् युगे युगे मृदयन्ति युगे पांचवा युगे जन्म भूयं भगवतो यः जन्मभूयिहं भगवतो एतत् प्रियतो नरः नरः सायं प्रातर्गणं भक्त्या सायं दुःख प्रातर्गणं ग्रामाद् विमुच्यते भक्त्या तटा अहम् एवासम् एवाग्रे अहमेवाग्रे न अन्यद् यत् सत् असत् परम् नान्यत्सत्सत्परम् पश्चाद् अहम् यत् एतत् च पश्चादहं जाते तच्च यो अवशिष्ये सो अस्मि अहम् यो अवशिष्ये स्वागत है आपका 19वें अध्याय में, जिसमें जम्बूद्वीप का वर्णन है। माता जी किसी से पढ़वाइए तो। हरे कृष्ण हरिष माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा चैप्टर 19 जम्बू द्वीप का वर्णन। हरे कृष्ण। एक मिनट माता जी। इस अध्याय में भारतवर्ष के योग यशोगान के साथ ही किम पुरुष वर्ष नामक भूखंड में भगवान रामचंद्र की आराधना का वर्णन है। किम पुरुष वर्ष के निवासी भाग्यशाली हैं, क्योंकि वे भगवान रामचंद्र की आराधना उनके आज्ञाकारी सेवक हनुमान सहित करते हैं। भगवान रामचंद्र एक ऐसे अवतार का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जो अपने भक्तों की रक्षा तथा दुष्टों का वध करने के उद्देश्य से अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। भगवान रामचंद्र परमेश्वर के अवतार के वास्तविक उद्देश्य को प्रस्तुत करते हैं और भक्तजन उनकी प्रेम पूर्वक दिव्य सेवा करने का सुयोग्य प्राप्त करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह तथा कथित सुख ऐश्वर्य तथा शिक्षा का परित्याग करके पूर्णतः भगवान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दे, क्योंकि ये सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए तनिक भी सहायक नहीं होते। भगवान तो केवल आत्मसमर्पण की क्रिया से प्रसन्न होते हैं। जब देवऋषि नारद सर्वाणी मनु को उपदेश देने के लिए अवतरित हुए तो उन्होंने भारतवर्ष के ऐश्वर्य का वर्णन किया। सर्वाणी मनु तथा भारतवर्ष के निवासी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में संलग्न रहते हैं, जो सृष्टि पालन और संहार के मूल रूप हैं और आत्मज्ञानी जनों द्वारा सदैव वंदित है। भारतवर्ष में भी अन्य भूखंडों के भांति अनेक नदियां तथा पर्वत हैं, किंतु भारतवर्ष का विशेष महत्व इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर वेद सम्मत वर्णाश्रम धर्म प्रचलित है, जो समाज को चार वर्णों तथा चार आश्रमों में वर्गीकृत करता है। यही नहीं, नारद मुनि के अनुसार यदि वर्णाश्रम धर्म के पालन में कोई क्षणिक बाधा भी पहुंचती है तो तुरंत ही उसको पुनर्जीवित किया जा सकता है। वर्णाश्रम धर्म में दृढ़ रहने के कारण कर्म के परम पद की प्राप्ति और भौतिक बंधन से छुटकारा मिलता है। वर्णाश्रम धर्म के नियमों के पालन से भक्तों की संगति का सुअवसर मिलता है, जिससे श्री भगवान के प्रति सेवा भाव की सुप्त प्रवृत्ति जागृत होती है और पापमय जीवन से छुटकारा मिल जाता है। जब मनुष्य को भगवान वासुदेव की विशुद्ध भक्ति करने का सुअवसर प्राप्त होता है, भारतवासियों को ऐसा अवसर मिल सकने के कारण स्वर्ग में भी उनकी प्रशंसा की जाती है। यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक में भी भारतवर्ष के स्थान की चर्चा अत्यंत रुचिपूर्वक की जाती है। इस ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों तथा विभिन्न योनियों में समस्त बद्ध जीवों का विकास हो रहा है। इस प्रकार कोई भी जीव ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है, किंतु उसे पुनः पृथ्वी पर उतरना होता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है। अब ब्रह्म
भुवनलोका पुनर्वर्जित अर्जुना। यदि भारतवर्ष के वासी वर्णाश्रम धर्म का दृढ़ता से पालन करें और अपने सुसुप्त कृष्ण भावना को विकसित होने दें, तो मृत्यु के पश्चात उन्हें इस भौतिक जगत में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यहाँ सिद्ध आत्माओं द्वारा श्री भगवान की चर्चा सुनने को नहीं होती, चाहे वह ब्रह्मलोक ही क्यों न हो। जीवात्मा के लिए अनुकूल स्थान नहीं है। यदि किसी ने भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म लेकर आध्यात्मिक उन्नति का लाभ नहीं उठाया, तो सचमुच ही उसकी स्थिति शोचनीय है। यदि भारतवर्ष की भूमि में कोई सर्वकाम भक्त है, अर्थात वह किसी भौतिक कामना की पूर्ति करना चाहता है, तो वह भी भक्तों की संगति करने से समस्त कामनाओं से मुक्त होकर अंत में शुद्ध भक्त बन जाता है और बिना किसी कठिनाई के भगवान के धाम वापस पहुंच जाता है। इस अध्याय के अंत में श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से जम्बूद्वीप के अंतर्गत 8 उपद्वीपों का वर्णन किया है। हरे कृष्ण सभी। तो उपद्वीपों का वर्णन भी किया है, लेकिन ये मेरे ख्याल से हमने कुल 9 वर्ष हैं, 9 में से 7 पढ़े थे, 2 शायद रह गए थे, एक किम पुरुष वर्ष और एक भारत वर्ष। किम पुरुष वर्ष का वर्णन इसमें, जहाँ भगवान रामचंद्र की आराधना की जाती है और ये कहा गया कि भाग्यशाली हैं वहाँ के लोग, क्योंकि वो हनुमान के साथ ये करते हैं, क्योंकि भगवान भगवान राम के सेवक कैसे सेवक हैं, दासों में भगवान, दासों में भगवान के दासों में उदाहरण हनुमान का दिया जाता है कि वैसा दास कोई था ही नहीं हनुमान जैसा। तो उनके साथ अगर आप कर रहे हैं तो कल्याण होना निश्चित है। श्री शुक उवाच, मेरे साथ पढ़िए, श्री शुक उवाच। किम पुरुषे वर्षे, किम पुरुषे वर्षे भगवन्तम् आदिपुरुषम्, भगवन्तम् आदिपुरुषम् लक्ष्मण अग्रजम्, लक्ष्मण अग्रजम् सीता अभिरामम्, सीता अभिरामम् रामम्, रामम् रामम् तच्चरण, तच्चरण तन्निकर्ष अभिरतः, तन्निकर्ष अभिरतः परम भागवतो, परम भागवतो हनुमान सह, हनुमान सह किम पुरुषे, किम पुरुषे अविरत भक्ति ही, अविरत भक्ति ही उपास्ते, उपास्ते। शब्दार्थ है, श्री शुकवाच सुखदेव गोस्वामी बोले, किम पुरुषे वर्षे, किम पुरुष नामक भूखंड में भगवंतम से भगवान आदि पुरुषम समस्त कारणों के मूल कारण लक्ष्मण अग्रजम, लक्ष्मण के बड़े भ्राता अग्रज, सीता अभिराम, सीता माता को अत्यंत प्रिय अथवा सीता देवी के पति, रामम भगवान रामचंद्र को तत्चरण सन्निकर्ष अभिरतः भगवान राम के चरण कमलों की सेवा में सदैव तत्पर, परम भागवत संपूर्ण ब्रह्मांड में विख्यात महान भक्त हनुमान, श्री हनुमान जी सह सहित किम पुरुष है, किम पुरुष वर्ष के निवासी द्वारा अविरत निरंतर भक्ति ही भक्ति करने वाला उपासते पूजा करता है। मेरे साथ पढ़िए, श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, हे राजन, किम पुरुष वर्ष में, किम पुरुष वर्ष में भगवान भक्त, महान भक्त हनुमान वहां के निवासियों सहित, हनुमान वहां के निवासियों सहित लक्ष्मण के अग्रज तथा सीता देवी के पति, भगवान रामचंद्र की सेवा में, भगवान रामचंद्र की सेवा में
सदैव तत्पर रहते हैं, सदैव तत्पर रहते हैं। किम पुरुष वर्ष की बात हुई। दूसरा वर्ष है आष्टिसेनेन आष्टिसेनेन सह गंधर्वैः अनुगीयमानाम् परम कल्याणी परम कल्याणी भर्त्री भगवत कथाम भर्त्री भगवत कथाम सम उपश्रोण उपश्रणोति स्वयं च इदं गायति स्वयं च इदं गायति। शब्दार्थ है आर्षि शेषेण आष्टि शेणेन किम पुरुष वर्ष का प्रधान पुरुष आष्टि से सह सात गंधर्व गंधर्वों के द्वारा अनुगीय मानाम जपे जाकर परम कल्याण कल्याणी परम कल्याण प्रदान करने वाली भर्तृ भगवत कथाम अपने पति श्री भगवान का यशोगान समुपश्रोणोति अत्यंत मनोयोग से श्रवण करता है स्वयं च स्वयं भी इदम यह गायति गायन करता है मेरे साथ गंधर्वों का समूह गंधर्वों का समूह सदा ही भगवान रामचंद्र के सदा ही भगवान रामचंद्र के यशों का गान करता है ऐसा गायन अत्यंत मंगलकारी होता है हनुमान जी तथा किम पुरुष वर्ष के प्रधान पुरुष हनुमान जी तथा किम पुरुष वर्ष के प्रधान पुरुष आश्रिसेन अत्यंत मनोयोग से इस यशोगान का निरंतर श्रवण करते हैं हनुमान जी निम्न मंत्रों का जप करते हैं हनुमान जी निम्न मंत्रों का जप करते हैं। दूसरा श्लोक में आएगा मंत्र तात्पर्य माता जी श्री कृष्णा रीता कतुरिया माता जी रीता कतुरिया माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा सभी को तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा पुराणों में भगवान रामचंद्र के संबंध में दो मत हैं लघु भावनामृत 34-36 में मनु अवतार वर्णन की पुष्टि हुई है। वासुदेव माता जी एक सेकंड वासुदेवा आदि रूपाणा अवतारा प्रकीर्तिता विष्णु धर्मोत्तरे राम लक्ष्मण अनाथा कर्मादमी पादमे तु रामो भगवान नारायण इति रितः शेष चक्रम च शंख च क्रमात् सुरल लक्ष्मणादाय मध्य देशा स्थितयो अयोध्यापुरेस अस्य वस्ती स्मृता महावैकुंठ लोके च राघवेन्द्रस्य कीर्तिता। विष्णु धर्मोत्तर में वर्णित है कि रामचंद्र जी तथा उनके भ्राता लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न क्रमशः वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध के अवतार हैं, किंतु पद्म पुराण का कथन है कि भगवान रामचंद्र नारायण के अवतार हैं और अन्य तीनों भाई शेष चक्र तथा शंख के अवतार हैं। अतः श्रील बलदेव विद्याभूषण इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि तदितम कल्प भेदेनेव संभाव्यम कहने का तात्पर्य है कि ये मत विरोधाभासी नहीं है। किसी युग में अपने भाइयों सहित भगवान रामचंद्र वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के रूप में अवतरित होते हैं, तो अन्य युग में वे नारायण शेष चक्र तथा शंख का अवतार धारण करते रहते हैं। भगवान रामचंद्र का निवास स्थान इसी धरा पर स्थित अयोध्या में है। उत्तर प्रदेश के उत्तर में जिला फैजाबाद के अंतर्गत अयोध्या नगर आज भी स्थित है। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद। अयोध्या का तो अभी थोड़ा आज का अयोध्या चल रहा है महिमा मंडित हो रहा है। अच्छी बात। अब कौन सा मंत्र हनुमान जी पढ़ते हैं ये बताया
ओम नमो भगवते, ओम नमो उत्तम भगवते, श्लोकाय नमः, उत्तम उत्तम श्लोकाय श्लोकाय नमः, नमः, आर्य लक्षण शील प्रताय नमः, आर्य आर्य लक्षण लक्षण शील शील प्रताय प्रताय नमः, नमः, उपशिक्षित आत्मन, उपशिक्षित उपशिक्षितात्मन, आत्मन, उपासित लोकाय नमः, उपासित उपासित लोकाय लोकाय नमः, नमः, साधुवाद निकर्षणाय, साधुवाद निकर्षणाय, निकर्षणाय, साधुवाद निकर्षणाय, साधुवाद निकर्षणाय, नमो ब्रह्मण्य देवाय, नमो नमो ब्रह्मण्य ब्रह्मण्य देवाय, देवाय, महापुरुषाय, महापुरुषाय, महाराजाय, महाराजाय, नमः इति। नमो नमो शब्दार्थ है ओम, हे भगवान, नमः नमस्कार है भगवते श्री भगवान को, उत्तम श्लोका है जिनकी अर्चना सदैव उत्तम श्लोकों से की जाती है, नमः मेरा नमस्कार, आर्य लक्षण शील व्रताय जिसमें उत्तम पुरुषों के समस्त गुण विद्यमान हैं, नमः मेरा नमस्कार, उपशिक्षित आत्मने आपको जिनकी इंद्रियां बस में हैं, उपासित लोकाय जो समस्त श्रेणी के लोगों द्वारा सदैव पूजित हैं, नमः मेरा नमस्कार, साधुवाद कर सुनाए श्री भगवान को जो गुणों के परखने की कसौटी तुल्य हैं, नमः मेरा नमस्कार, ब्रह्मन देवाय जो सुयोग ब्राह्मण द्वारा पूजित हैं, महापुरुषाय भगवान श्री भगवान को जो इस भौतिक सृष्टि का कारण होने की वजह से पुरुष सूक्त द्वारा पूजित हैं, महाराजाय सभी राजाओं में श्रेष्ठ महाराज महाराज को नमः मेरा नमस्कार इति। इस प्रकार मेरे साथ पढ़िए, हे प्रभो, हे हे प्रभो, प्रभु, मैं ओंकार बीज मंत्र से, मैं मैं ओंकार ओंकार बीज बीज मंत्र के जप से, के बीज मंत्र के जप से जप से आपको आप प्रसन्न करना चाहता हूं, प्रसन्न आपको प्रसन्न करना करना चाहता चाहता हूँ, मैं उन उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूं, मैं उन श्री श्री भगवान को भगवान सादर को सादर नमस्कार नमस्कार करता करता हूँ हूँ, जो उत्तम पुरुषों में सर्वाधिक हैं, जो जो उत्तम उत्तम पुरुषों में पुरुषों में सर्वाधिक सर्वाधिक है, आप आर्यजनों के समस्त, है, आप आर्यजनों आप के आर्यजनों के समस्त समस्त उत्तम गुणों के भंडार हैं, उत्तम उत्तम गुणों गुणों के के भंडार भंडार हैं, हैं, आपके आपके गुण तथा आचरण, गुण आपके तथा गुण तथा आचरण आचरण सदैव सदैव एक समान रहने वाला है, एक समान रहने सदैव वाला है, रहने वाला है, और आप अपनी इंद्रियों तथा मन को, और और आप आप अपनी अपनी इंद्रियों तथा इंद्रियों मन तथा को मन को सदैव सदैव अपने वश में रखने वाले हैं, अपने सदैव वश में अपने रखने वश में वाले रखने हैं, वाले है सामान्य सामान्य व्यक्ति की भांति, व्यक्ति सामान्य के व्यक्ति की भांति भांति आप आदर्श चरित्र प्रस्तुत करके, आप आप आदर्श आदर्श चरित्र चरित्र प्रस्तुत करके करके अन्य को अन्यों आचरण करना सिखाते हैं, को अन्यों को आचरण आचरण करना करना सिखाते हैं, सिखाते हैं, कसौटी केवल, कसौटी कसौटी केवल केवल स्वर्ण के गुण की, स्वर्ण के स्वर्ण के गुण गुण के की गुण की परीक्षा परीक्षा करने में समर्थ है, करने में समर्थ है, किंतु आप ऐसे स्पर्श मणि हैं, किंतु किंतु आप आप ऐसे ऐसे स्पर्श स्पष्ट मणि हैं मणि है जिससे समस्त उत्तम गुणों की परीक्षा, जिससे जिससे समस्त समस्त उत्तम उत्तम गुणों की गुणों की परीक्षा परीक्षा हो हो जाती है, हो जाती जाती है, है, आप भक्तों में, आप आप भक्तों भक्तों में में अग्रणी ब्राह्मण के द्वारा उपासित हैं, अग्रणी अग्रणी ब्राह्मणों के ब्राह्मणों के द्वारा द्वारा उपासित उपासित हैं, है, हे परम पुरुष, हे हे परम परम पुरुष, पुरुष, आप महाराजा हैं, आप आप महाराजा महाराजा हैं, हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, अतः अतः मैं मैं आपको आपको सादर सादर नमस्कार नमस्कार करता करता हूँ, हूँ, हरे कृष्ण। महाराजा है, राजा के रूप में, वो ऐसे राजा जिनका राम राज्य कहा जाता है, इतना अच्छा राज्य था उनका, यत् तद् विशुद्ध अनुभव मात्रमेकम्।
यद्यशुद्धिष्टतां प्रत्यक् प्रशान्तं सुधियो सुधिया उपलम्बनम् हि अनाम रूपं निरहं प्रपद्ये। श्लोक है, श्लोक पहले मैं पढ़ता हूँ फिर आपके साथ, मेरे साथ पढ़िए। यत तद विशुद्ध अनुभव मात्रमेकम्, तेजसा त्वस्त गुण व्यवस्थम्, प्रत्यक् प्रशांतम सुधिया उपलम्बनम्, हि अनाम रूपं निरहं प्रपद्ये। शब्दार्थ है यत, जो तत् उस परम सत्य को विशुद्ध विशुद्ध भौतिक प्रकृति के स्पर्श से दूर, विशुद्ध जो है अनुभव प्रकृति से दूर का मतलब गुणातीत होना होता है, अनुभव अनुभव मात्र सच्चिदानंद दिव्य देह एकम एकमात्र स्वतेजसा अपने तेज से ध्वस्त ध्वस्त गुण व्यवस्थम गुणों का प्रभाव प्रत्यक्ष दिव्य भौतिक नेत्रों से अदृश्य प्रशांतम धीर विक्षोभ रहित सुधिया कृष्ण भावना से जो भौतिक कामनाओं कर्मों तथा कल्पनाओं से अप्रभावित है उपलम्बनम उपलब्ध किया जा सकने वाला ही निसंदेह अनाम रूपम नाम तथा रूप रहित निरहम अहंकार रहित प्रपद्ये मुझे नमस्कार करने दें। मेरे साथ पढ़े भगवान को, भगवान को जिनका विशुद्ध रूप जिनका विशुद्ध रूप यानी सच्चिदानंद विग्रह यानी सच्चिदानंद विग्रह भौतिक गुणों के द्वारा दूषित नहीं है, भौतिक गुणों के द्वारा दूषित नहीं है, विशुद्ध चेतना के द्वारा ही देखा जा सकता है, विशुद्ध चेतना के द्वारा ही देखा जा सकता है, वेदांत में उसे वेदांत में उसे अद्वितीय कहा गया है, अद्वितीय कहा गया है, अपने तेज बस अपने तेज बस वह भौतिक प्रकृति से भौतिक प्रकृति के कलमस से अछूता है, और भौतिक दृष्टि से परे है, और भौतिक दृष्टि से परे है, अप्रभावित है, अप्रभावित है, अतः वह दिव्य है, अतः वह दिव्य है, न तो कोई कर्म करता है, न तो कोई कर्म करता है, न उसका कोई भौतिक रूप अथवा नाम है, नाम है। केवल कृष्ण भावना में भगवान के दिव्य रूप के दर्शन किए जा सकते हैं, भगवान के दिव्य रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। हमें चाहिए कि हम भगवान रामचंद्र के चरण कमलों में चरण कमलों में दृढ़ता पूर्वक स्थित होकर उनको सादर नमन करें, उनको सादर नमन करें। तात्पर्य माता जी, हरे कृष्णा। आत्रेय माता जी, आत्रेय माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय, शील प्रभुपाद की धारा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.39 में कहा गया है, रमादि मूर्तेषु कलनीयमेन तिष्ठन् नानावतारम्
अकरद भुवनेशु किंतु कृष्णो स्वयं संभवत परमापमन्ययः गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की आराधना करता हूँ, जो श्रीराम श्री नृसिंह जैसे अवतार होता था उप अवतारों के रूप में सदैव विद्यमान है, किंतु जो मूल रूप में भगवान श्री कृष्ण है और स्वयं भी अवतारित होते हैं। श्री कृष्ण विष्णु तत्व है जिन्होंने अपने आप को श्री विष्णु के नाना रूपों में विस्तारित किया है, जिनमें से भगवान श्री रामचंद्र एक है। हम जानते हैं कि विष्णु तत्व को पक्षी राज गरुड़ अपने ऊपर वहन करते हैं, किंतु उनके चारों हाथ में भिन्न भिन्न आयुध रहते हैं। अतः हमें संशय हो सकता है कि क्या श्री रामचंद्र जी भी उसी कोटि में आते हैं, क्योंकि उनको गुरु ने नहीं वरन हनुमान जी ने वहन किया था, और उनके न तो चार भुजाएं थी न ही उन्होंने शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किया था। अतः इस श्लोक से ये स्पष्ट हो जाता है कि श्री रामचंद्र तथा श्री कृष्ण में अंतर नहीं है। रमादि मूर्ति शुकला यद्यपि श्री कृष्ण मूल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, किंतु श्री रामचंद्र उनसे भिन्न नहीं है। भौतिक गुणों से अप्रभावित रहने के कारण भगवान श्री रामचंद्र जी प्रशांत है, अर्थात वे कभी इन गुणों से विचलित नहीं होते। जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अगाध प्रेम नहीं होता, तब तक भगवान श्री रामचंद्र जी की दिव्यता का महत्व समझ में नहीं आता। उन्हें भौतिक चक्षु से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि रावण जैसे असुरों को दिव्य दृष्टि नहीं होती। अतः ये भगवान श्री रामचंद्र को सामान्य क्षत्रिय राजा मानते हैं, इसीलिए रावण ने उनकी सनातन अर्धांगिनी सीता देवी का अपहरण करना चाहा, किंतु रावण सीता देवी के उनके मूल रूप में नहीं ले जा सका। जो ही रावण ने उनका स्पर्श किया, उन्होंने उसे भौतिक रूप दे दिया, किंतु उन्होंने अपने मूल रूप को बनाए रखा जो उसकी दृष्टि से परे था। इसीलिए इस श्लोक में आया हुआ प्रत्यक प्रशांत शब्द ये सूचित करता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी तथा उनकी तेज स्वरूप अर्धांगिनी सीता देवी भौतिक शक्ति के प्रभाव से अपने को बिलक रखते हैं। उपनिषद में कहा गया है यंग एवेश वृणुते तेन लभ्यः, परमात्मा का दर्शन उन्हीं को होता है जो उनकी भक्ति से उत्प्रत है। ब्रह्म संहिता 5.38 में कहा गया है प्रेमंजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदय विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। मैं उन आदिपुरुष गोविंदों का भजन यानी पूजा करता हूँ जो उन भक्तों द्वारा सदैव देखे जाते हैं, जिनकी आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा होता है। वे भक्तों के हृदय के अंदर अपने सनातन श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है यथास्त्रो स्रो देवता अनेन जीवेन, या अनेन शब्द से आत्मा एवं परमात्मा का अंतर बताया गया है। तीसरो देवता शब्द से ये सूचित होता है कि जीव की देह तीन भौतिक तत्व अग्नि पृथ्वी तथा जल से बनी हुई है। यद्यपि परमात्मा जीवात्मा के हृदय में प्रवेश करते हैं जो भौतिक शरीर कहलाता है, किंतु परमात्मा को जीवात्मा की देह से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि परमात्मा को भौतिकता से कुछ भी संबंध नहीं होता। इसीलिए परमात्मा को अनाम रूपंग निराहम कहा गया है। परमात्मा की कोई भौतिक पहचान नहीं है, किंतु जीवात्मा की होते हैं। जीवात्मा अपना परिचय भारतीय अमेरिकी या जर्मन कहकर दे सकता है, किंतु परमात्मा की ऐसा कोई भौतिक उपाधि नहीं होती, अतः उसका कोई भौतिक नाम नहीं होता। जीवात्मा अपने नाम से भिन्न होता है, किंतु परमात्मा ऐसा नहीं है। उनका नाम और वे स्वयं एक है। निराहं का यही तात्पर्य है, जिसका अर्थ है
बिना किसी भौतिक उपाधि के इसको तोड़ मरड़ कर यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि परमात्मा अहंकार रहित या पहचान रहित है। उनकी पहचान परम श्रेष्ठ के रूप में दिव्य है। श्री जीव गोस्वामी ने ये व्याख्या दी है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक अन्य स्पष्टीकरण भी दिया है जिससे निराहंकार का अर्थ है निश्चय अहंग है। निराहंकार का यह अर्थ नहीं है कि श्री भगवान की कोई पहचान नहीं है, वरन अहं शब्द पर बल होने से यह सिद्ध होता है कि श्री भगवान की अपनी व्यक्तिगत पहचान है, क्योंकि निर का अर्थ केवल नकारात्मक ना होकर पुष्टि करने वाला भी होता है। हरे कृष्णा माता जी, आपने ब्रह्म संहिता के दोनों श्लोक बहुत शुद्ध पढ़े, बहुत धन्यवाद आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और ये बहुत महान आचार्य हैं गुरु शिष्य परंपरा के। प्रभुपाद हमेशा उनका रेफरेंस देते हैं कहीं पर। उन्होंने कहा है इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका रूप नहीं है जैसे कहा गया पहले, तो इस चीज को प्रभुपाद बताना चाहते हैं, कहीं हम ये न समझें कि भगवान का रूप नहीं है। हाँ, नहीं है भगवान का रूप। कौन सा? भौतिक। भौतिक रूप नहीं है भगवान का। भौतिक भगवान दिव्य है, लेकिन अपने भक्तों को खुश करने के लिए वो अपना ऐसा रूप बनाते हैं जैसे मनुष्य है, मनुष्य रूप में देखे जाते हैं, लेकिन शरीर उनका भौतिक नहीं है, दिव्य होता है। तो इसलिए ऐसा रूप दिखाने से भक्तों को दो फायदे होते हैं, एक तो भगवान को देख सकते हैं और सोच सकते हैं वो हमारी तरह हैं, दूसरा वो उनको अपने हृदय में धारण कर सकते हैं। जब आप किसी दोस्त को याद करते हैं तो आपके उसको उसका शकल उसकी वो अपने दिमाग में आता है, तो याद करने के लिए किसी को प्रेम करने के लिए उसका रूप तो पता होना चाहिए। तो इसलिए भगवान रूप रहित नहीं है, भगवान का रूप है लेकिन दिव्य है, भौतिक रूप नहीं है ये कहा गया। मर्त्य अवतार तु इह मर्त्य शिक्षणम् रक्ष वधा रक्षो वधाय एव न केवलं विभो उतो अन्यथा स्याद् रमतः स्व आत्मनः सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य। मर्त्य अवतार तु इह मर्त्य शिक्षणम् रक्षो वधाय एव न केवलं विभो कुतो अन्यथा स्याद् रमतः स्व आत्मनः सीता कृतानि दर्शनानि ईश्वरस्य शब्दार्थ है मर्त्य मनुष्य अवतार है, जिसका अवतार तू वो भी इह इस लोक में मर्त्य शिक्षण समस्त जीवों को विशेष रूप से मनुष्य को शिक्षा देने के लिए रक्षा बधाए रावण असुर को मारने के लिए एवं निश्चय ही ना नहीं केवल केवल मात्र विभो श्री भगवान का उतः कहां से अन्यथा अन्यथा स्यात् होगा रमतः रमण करने वाले का स्वे अपने आप में आत्मनः ब्रह्मांड का आत्मस्वरूप सीता भगवान रामचंद्र की पत्नी सीता का कृतान वियोग के कारण उत्पन्न दशनानि समस्त दुख ईश्वरस्य श्री भगवान के। मेरे साथ पढ़ें राक्षसों के नायक रावण को यह वर प्राप्त था कि
उसका वध मनुष्य ही कर सकता है, उसका वध मनुष्य मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र को, मनुष्य रूप धारण करना पड़ा, मनुष्य रूप धारण करना पड़ा। किंतु भगवान रामचंद्र का उद्देश्य, किंतु भगवान रामचंद्र का उद्देश्य मात्र रावण का वध करना ही नहीं था, मात्र रावण का वध करना ही नहीं था, वे तो मर्त्य प्राणियों को, यह शिक्षा देना चाहते थे कि भोग विलास अथवा पत्नी के चारों ओर केंद्रित, भोग विलास अथवा पत्नी के चारों ओर केंद्रित भौतिक सुख, भौतिक सुख समस्त दुखों का कारण है, समस्त दुखों का कारण है। वे स्वयं में पूर्ण है, वे स्वयं में पूर्ण है, और उन्हें किसी भी प्रकार का पश्चाताप नहीं है, और उन्हें किसी भी प्रकार का पश्चाताप नहीं है। अतः भला हुए, अतः भला हुए माता सीता के अपहरण से क्या कष्ट भोगते, माता सीता के अपहरण से क्या कष्ट भोगते। हाँ, ये भगवान की लीला थी, कष्ट नहीं, ये दिखाना जो उसमें आपको दिखाते हैं, वो दुखी हो गए, ये हो गया, सीता दुखी है, ये है, ये हमारा भौतिक लोगों को ये ज्ञान देना कैसा होता है। तात्पर्य माता जी, हरे कृष्णा राधा रति माता जी, हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता 4.9 में कहा गया है, इस जगत में श्री भगवान दो उद्देश्यों से मनुष्य रूप धारण करते हैं, परित्राणे साधूनां विनाशाय च दुष्कृता, असुरों का वध करने और अपने भक्तों की रक्षा करने के हेतु। भक्तों की रक्षा करने के लिए वे न केवल अपनी उपस्थिति से वरन भक्ति पर दृढ़ रखने की शिक्षा देकर उन्हें तुष्ट करते हैं। भगवान रामचंद्र ने अपने भक्तों को ये शिक्षा दी कि वैवाहिक जीवन में प्रवेश न करना बेहतर है, क्योंकि इसी से ही हमारे सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत 7.9.4 में पुष्टि की गई है, यन्मैथुनानि गृहमेद्य सुखम हि तुच्छम् कण्डूयने नम यरु करो योरिव दुःखम् दुःख दुःखम् तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाजो कण्डूतिवन्मसिजम विषयेत धीरो। आत्मज्ञान में समुन्नत न होने वाले कृपण जो ब्राह्मणों से सर्वथा विपरीत है, गृहस्थ जीवन स्वीकार करते हैं जिनमें संभोग की छूट है, और वे पुनः पुनः इंद्रिय सुख भोगते हैं, यद्यपि इस इंद्रिय सुख के पश्चात उन्हें नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। भक्तों के लिए चेतावनी है, भक्तों को तथा सारे मानव समाज को ये शिक्षा देने के लिए ही श्री रामचंद्र जी ने श्री भगवान होते हुए भी नाना प्रकार के कष्टों को सहा, क्योंकि माता सीता को उन्होंने अर्धांगनी के रूप में स्वीकार किया था। निसंदेह उन्होंने सारे कष्ट इसलिए झेले कि हमें शिक्षा मिले, वास्तव में उनके द्वारा पश्चाताप करने का कोई प्रयोजन नहीं था। भगवान की शिक्षाओं का एक दूसरा पक्ष ये भी है कि एक बार पत्नी बना लेने के बाद मनुष्य को सत्यनिष्ठ होकर पत्नी की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। मानव समाज में दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, वे जो धार्मिक नियमों का अनिष्ठा से पालन करते हैं तथा वे जो भक्त हैं। भगवान रामचंद्र अपने चरित्र से इन दोनों प्रकार के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार धार्मिक नियमों का पालन करते हुए प्रिय एवं कर्तव्यनिष्ठ पति बना जा सकता है, अन्यथा भगवान राम को इतने कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। धार्मिक नियमों का पालन करने वालों को चाहिए कि वे अपनी पत्नी की रक्षा करने में उपेक्षा न बरतें।
हो सकता है कि ऐसा करने में कुछ कष्ट उठाने पड़े, किंतु पति को इतने सहना ही चाहिए। सत्यनिष्ठ पति का यही कर्तव्य है। अपनी साक्षात दृष्टांत से भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस कर्तव्य का प्रदर्शन किया। भगवान श्री रामचंद्र चाहते तो अपनी इच्छा शक्ति से हजारों सीताएं उत्पन्न कर सकते थे, किंतु सत्यनिष्ठ पति का कर्तव्य निभाने के लिए ही न केवल रावण से सीता की रक्षा की, वरन रावण को पूरे परिवार के साथ संहार किया। भगवान श्री राम की चंद्र की शिक्षाओं का एक पक्ष ये भी है कि भगवान विष्णु तथा उनके भक्तों को भले ही ऊपर से सांसारिक यातनाएं झेलनी पड़े, किंतु इन यातनाओं से उनका कोई सरोकार नहीं है। वे तो सभी परिस्थितियों में मुक्त पुरुष हैं। इसलिए चैतन्य भागवत में कहा गया है, यत देख वैश्वेर व्यवहार दुख, निश्चय जानीता परमानंद सुख। भक्ति में मग्न रहने वाले के कारण वैष्णव सदैव दिव्य आनंद का लाभ उठाता है, भले ही ऐसा लगे कि उसे भौतिक कष्ट है, किंतु उसे दिव्य विरह अवस्था प्राप्त रहती है। प्रेमी तथा प्रेमिका को भले ही वियोग कष्ट कर लगता हो, किंतु वास्तव में ये होता है अत्यंत आनंददायक। अतः सीता देवी से भगवान रामचंद्र का वियोग तथा उसके बाद उनके द्वारा भोगी जाने वाली यातनाएं इस प्रकार के उनके दिव्य सुख को प्रकट करने वाली हैं। ऐसा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का अभिमत है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सही है कि परित्राणाय साधु नाम बिना साहित दुष्कताम, दोनों एक दूसरा आदर्श पुरुष और आदर्श पति, ये कैसे भगवान ने ये उदाहरण हम लोगों के लिए देने के लिए अपने भक्तों के लिए। नवैस आत्मा आत्मवताम सुहृत सुहृतम शक्तः त्रिलोक्या भगवान वासुदेवः, न स्त्री कृतं कस्मलं अश्नुवीत, न लक्ष्मणं चापि देहातुम अर्हति। मेरे साथ पढ़िए, न वैस आत्मा आत्मवताम सुहृतम, न वैस आत्मा। बहुत सही पढ़ा आपने, दोबारा पढ़ता हूँ। न वैस आत्मा आत्मवताम सुहृतम, शक्तः त्रिलोक्यां भगवान वासुदेवः, न स्त्री कृतं कस्मलं अश्नुवीत, न लक्षणं च अपि विहातुम् अर्हति। शब्दार्थ है न नहीं, वह निसंदेह सह वह आत्मा परमात्मा आत्मवता स्वरूप सिद्धों का सुहृत तमः सर्वश्रेष्ठ मित्र, सक्तः आसक्त त्रिलोक्या तीनों लोकों के भीतर कोई भी भगवान श्री भगवान वासुदेव सर्वव्यापी भगवान न नहीं, स्त्री कृतम अपनी पत्नी के कारण प्राप्त कस्मलम वियोग दुख अश्नुवीत प्राप्त करेगा न नहीं, लक्ष्मण रामचंद्र के लघु भ्राता लक्ष्मण चाभी अपि निश्चय ही विहातुम परित्याग करना अर्हति समर्थ होता है। मेरे साथ पढ़िए, चूंकि भगवान रामचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव हैं, अतः वे इस भौतिक जगत से किसी प्रकार लिप्त नहीं है, वे सभी स्वरूप सिद्ध आत्माओं के परम प्रिय परमात्मा और उनके घनिष्ठ मित्र हैं, वे परम ऐश्वर्यवान हैं,
अतः पत्नी विषोह के कारण अतः विषोह के कारण उन्होंने न तो अधिक कष्ट उन्होंने न तो अधिक कष्ट उठाए होंगे नहीं उन्होंने अपनी पत्नी तथा अपने लघु भ्राता लक्ष्मण का परित्याग किया उनके लिए इन दोनों में किसी एक का भी परित्याग सर्वथा असंभव था। तात्पर्य माता जी हरे कृष्ण। सुमन कुलार माता जी, सुमन कुलार माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। कामिनी अग्रवाल माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री भगवान की परिभाषा देते हुए हम ये कहते हैं कि वे छहों ऐश्वर्यों धन यश बल प्रभाव रूप तथा त्याग से युक्त है। इस भौतिक जगत में किसी प्रकार का लगाव न होने के कारण वे परित्यागी कहलाते हैं। उनका लगाव बैकुंठ जगत में और वहां की जीवात्माओं से है। भौतिक जगत के समस्त कार्यकलाप दुर्गा देवी की अध्यक्षता में संचालित होते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। दुर्गा के रूप में भौतिक शक्ति के कठोर नियमों के अंतर्गत सब कुछ घटता है। फलतः भगवान इस भौतिक जगत से पूर्णतः विरक्त रहते हैं। उन्हें इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं रहती है। सीता देवी का संबंध बैकुंठ जगत से है। इसी प्रकार लक्ष्मण और उन्हें जी ये देखें सबसे ऊपर वाली लाइन। इसी प्रकार लक्ष्मण नहीं आ रहा है मेरे में आएगा, आएगा। इसी प्रकार लक्ष्मण संकर्षण के प्रकाश स्वांश रूप है और भगवान रामचंद्र स्वयं वासुदेव हैं। क्योंकि भगवान सदा दिव्यता से युक्त है अतः उनका लगाव उन सेवकों से रहता है जो उनकी दिव्य सेवा करते हैं। वे ब्राह्मण गुणों से नहीं वरन जीवन के सत्य से लगाव रखते हैं। निसंदेह उनका लगाव भौतिक गुणों से किसी प्रकार नहीं रहता। यद्यपि वे समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं किंतु जो आत्म सिद्ध है उनके समक्ष वे प्रकट होते हैं और अपने दिव्य भक्तों के लिए परम प्रिय हैं। क्योंकि भगवान रामचंद्र ने मानव समाज को यह शिक्षा देने के लिए कि राजा को कितना कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए अवतार लिया था, अतः उन्होंने माता सीता तथा लक्ष्मण का बाह्यतः परित्याग किया। उन्होंने उनका वास्तविक परित्याग नहीं किया था। अतः हमें आत्म सिद्ध पुरुषों से भगवान रामचंद्र के कार्यों को सीखना चाहिए, तभी भगवान के दिव्य कार्यों को समझा जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ये धन्यवाद माता जी, ये प्रभुपाद कह रहे हैं। और लेकिन हमारे भारतवर्ष में भगवान राम की पूरी जीवनी से हर कोई परिचित है। ये इसका कारण बताता हूं आपको मैं। आपने देखा होगा हर किसी को भगवान राम के बारे में पता है, काफी पता है, और कुछ कुछ तो उनके बहुत अच्छे भक्त भी बन जाते हैं क्योंकि उनके बारे में पढ़ते हैं। रामायण करीब करीब मेरे ख्याल से सभी पढ़ते हैं। और ये चीज भगवान कृष्ण के लिए कम है। क्यों? कारण कारण क्या है? स्क्रिप्ट। रामायण जो है ऐसी लैंग्वेज में लिखी है जिसको लोग पढ़ सकते हैं, समझ भी सकते हैं। और भगवत गीता भागवतम संस्कृत में है। ठीक, पहले प्रभुपाद ने तो बहुत बड़ा काम किया कि हम जैसे लोग भी भागवतम पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। भगवत गीता तो पढ़ी है और काफी कुछ समझ भी आता है। लेकिन अगर
हम संस्कृत न जाने तो ये दोनों ग्रंथ हमारे लिए अपरिचित हो जाते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, संस्कृत जानना कोई जरूरी नहीं है, ये लो मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ, पढ़ो ये। तो उन्होंने इतनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर की प्रभुपाद ने। तो हम भागवतम, क्या लिखा है भागवतम में, वो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये कृपा प्रभुपाद ने की। तो ये भगवान राम के बारे में बहुत कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर बच्चा इसके बारे में जानता है, क्योंकि ये इतना प्रचलित है। आपने देखा पहले रामलीला होती थी, अभी भी होती है कहीं कहीं पर, पहले तो बहुत ज्यादा होती थी हर जगह, यहाँ तक कि गांव में भी रामलीला होती है उस नवरात्रियों के टाइम पर। ये और उनका अभिनय करने के लिए हर व्यक्ति को उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। तो काफी कुछ ये हमारे देश में उपलब्ध है, और सौभाग्यशाली हैं हम इस मामले में। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विषये सर्वशून्यवादी पाचाल देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।